पूछा। हाँ आधा लो आधा लो, यहाँ पे खड़ा होके पहले दे दो, ठीक है। हाँ तो जिसको जा देखिए पॉइंट का वाटर कलर का क्वालिटी कैसा अच्छा हो गया। तो जैसे आपने देखा था कल पॉइंट पो होमिंग्स में यूज़ किया, अभी वाटर में पानी लेकर आया। पानी का देखिए पानी में कितना ज़्यादा मतलब आपको फाइटर प्लांट दिखाई दे रहा है। तो पानी को ऐड करो इसमें, पहले पानी को अच्छे से ऐड करना है, ज़्यादा पूरा फुल करना है। उसका बाद इससे आपको लेके धीरे धीरे आपका टैंक में जैसे हर बाकी मेडिसिन डालता है ना उसी हिसाब से आपको डालना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स एक डालने का चार दिन के बाद ही आप मछली छोड़ सकते हो, छोटा फ्राई हो मीडियम साइज मछली हो जो भी हो। तो इस साइज तालाब में आपको ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा आएगा 1000 रुपीस, ठीक है। उसका डिटेल्स भी मैं बताऊंगा। और जिसका मिट्टी में गैस ज़्यादा है उसको थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, 1200 से 1300 रुपया, ठीक है। तो जैसे आपका मैं पॉइंट गैसोक्लीन दिखाया था वो तो सबको देना नहीं पड़ेगा, बस हो गया हो गया, थोड़ा करके लो उससे और उसका साथ पानी मिक्स करके डालना। उठाओ आपका मिट्टी के अंदर जिसका गैस है उसको थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, नहीं तो बहुत ही कम लगता है। और इसमें क्या होता है नेचुरल फीड बहुत ज़्यादा बनेगा, आपका फीड कॉस्टिंग बहुत कम हो जाएगा। जैसे ये जो तालाब आपको दिखाई दे रहा है इसमें आप वेस्ट बंगाल के हिसाब से बोले तो 5 बाटी स्पॉन छोड़ सकता है और 1 बाटी में आपका 25 से 30 हज़ार स्पॉन रहता है, मतलब आपका 1.5 लाख। और वो 10 दिन बस 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 हो गया, उसको लेके जाओ उधर, नहीं नहीं इसको बाल्टी को उधर लेके जाओ, उधर लेके जाओ, उसके साथ थोड़ा सा पानी ऐड करो, उसके बाद डालो, ठीक है। बस हाँ ठीक है। तो आप 1.5 लाख स्पॉन इसमें छोड़ सकते हो, छोटा साइज का, मतलब जो एकदम स्पॉन होता है 48 आवर्स का। उसका बाद 10 दिन में वो आपका 10,000 लाइन का हो जाएगा। उसका बाद उसी मछली को आप 15,000 स्क्वायर फीट वाला जो तालाब है उसमें शिफ्ट कीजिए और वो आपको 1 महीना में 300 लाइन तक हो सकता है, जैसे आपका पॉइंट का वाटर क्वालिटी रहेगा, और 500 से 600 के जी प्रोडक्शन हो सकता है। और वेस्ट बंगाल में 1 बाटी बच्चा का कीमत है अगर IMC होता है तो 250 से 300 रुपया, मतलब इधर हो गया 1500 रुपया, पॉन रेडी करने में 1500 रुपया, 3000। और उसके बाद आपको वो मछली बड़ा एक 15,000 स्क्वायर फीट में शिफ्ट करने से 400 से 500 के जी प्रोडक्शन आपको मिल सकता है 1 महीना के अंदर। देखिए कोई भी पॉइंट रेडी करने में जो स्पॉन होता है उसका बहुत अच्छे से रेडी करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली आपका जमीन जितना अच्छा होगा फसल उतना अच्छा होगा, तो सिर्फ इतना ही करना है। और एक चीज़ आपको देखना है इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा जू प्लांटिंग बनता है, ठीक है। जू प्लांटिंग में एक अच्छा ही है एक बुराई भी है। अच्छा ही क्या है, जब मछली 3-4 दिन 5 दिन का होता है अगर जू प्लांटिंग नीचे रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मगर आपका थोड़ा सा बारिश का टाइम है, थोड़ा सा टेम्परेचर ऑक्सीजन शॉर्टेज है, तो उसमें क्या होता है जू प्लांटिंग ऊपर आ जाता है और जिसमें ऑक्सीजन भी शॉर्ट हो सकता है। इसीलिए मैं जैसे आपको दिखाया था तो नीचे वाला ये जू प्लांटिंग क्या होता है एकदम मिट्टी में 6 इंच के अंदर रहता है। तो अगर हम जो आपको दिखाया था ना एक रस्सी में नट बोल्ट लगा के इधर से उधर करो नीचे वाला गैस निकल जाएगा, ये काम अगर आप करते रहते हो तो इसमें क्या होगा आपका वो जो वो टैंक में गैस भी नहीं बनेगा। देखिए कितना गैस निकल रहा है, ठीक है। तो वो आपको गैस नीचे नहीं बनेगा और गैस अगर नीचे नहीं बनेगा तो आपका जू प्लांटिंग भी ऊपर नहीं आएगा और मास्टिक का भी तकलीफ नहीं होने वाला है। तो ऐसे ही आपको डालना है धीरे धीरे। देखिए आपको डाल दिया, फिर यहाँ से अच्छे से इसको उठाएगा, ठीक है। आपको अगर बड़ा तालाब है थोड़ा सा हंडी होता है बड़ा बड़ा उसको लीजिए, उसमें मिक्स कीजिए। और ये डालने का आपको 4 दिन का बाद ही आप डालना, और जैसे बायोफिल्म होता है मोलासेस ऐड करो या ऐड करो ये सब चक्कर यहाँ पे नहीं है, ये सब नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ इतना ही डालना है और बहुत ही अच्छा आपका वाटर क्वालिटी बनेगा छोटा मछली के लिए मीडियम मछली जो भी है। बड़ा मछली है तो उसका सिस्टम थोड़ा सा अलग है,
जैसे पॉन्ड गैसोक्लीन आपको वहाँ पे यूज़ नहीं होगा, बायोक्लीन आपको वहाँ पे यूज़ नहीं होगा, ठीक है। और इसका बाद मास्टिक जिस दिन छोड़ना है हम उसमें पॉन्ड पोवोकेयर डालूंगा, क्योंकि आप सबको मालूम है पोवोकेयर एक ऐसा मेडिसिन है मस्तिष्क के रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा कर देता है, मस्तिष्क का एंटीबॉडी क्रिएट करता है, उसका साथ साथ और भी बहुत कुछ काम है। तो सब सारी चीज़ को लेकर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। बात कर देखिए सीट का जो मोर्टेलिटी हो जाता है तो उसमें बहुत लॉस होता है। आप अगर अच्छे से वाटर प्रिपरेशन करो तो आपका सीट का मोर्टेलिटी नहीं होने वाला है और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और सबसे बड़ा बात है देखिए, अगर जो छोटा फ्राई छोड़ेगा मतलब 48 आवर्स का जो फ्राई होता है उसको छोड़ेगा वहाँ से ही डालो, तो उसमें क्या होता है आपको गलन देना पड़ता है। गलन देने का मतलब एक गूड़ी जाल होता है, मतलब छोटा फांक का जाल होता है, ठीक है। उसमें 3 दिन में एक बार गलन देना पड़ेगा, 7 दिन में और 10 दिन में, ठीक है। तो 3 बार आपको नेटिंग करना पड़ेगा। नेटिंग करने से क्या होता है, नीचे वाला जो गैस है कचरा है वो निकल जाएगा और मास्टी नेस्ट से बाहर निकल जाएगा। तो मास्टी जब नेस्ट से बाहर निकल जाता है एक करने से आपका मास्टी का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, और नहीं तो मास्टी साइड से घूमता रहता है, उसको डर लगता है अंदर जाने का, ठीक है। पहला 3 दिन का बाद बता रहा हूँ, तो 3 दिन का बाद वो धीरे धीरे अंदर मिडिल पॉइंट में जाना स्टार्ट करता है और धीरे धीरे वो रेडी हो जाता है, ठीक है। और इसका बाद भी दिखाऊंगा कैसे आपको देना है। एक्चुअली हमारा जो प्लान है बिना फीडिंग में मछली करना, तो ऐसे आप पॉइंट को प्रिपरेशन करते हो तो फीडिंग ना देके आप IMC VTC मछली सब कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपका तैलापिया है जो भी है आप मछली फीडिंग छोड़ के भी कर सकते हो। तो फीडिंग देने से क्या होगा, फीडिंग देने से और भी अच्छा रिजल्ट आएगा। और इसका बात ये नहीं है फीडिंग ना देने से मछली का ग्रोथ नहीं होगा, अच्छा ही ग्रोथ होगा। बट आपको पॉइंट रिकॉर्डिंग सिस्टम जो है उसमें ध्यान रखना है, आपको मालूम रहना है जो एक गैंग में मतलब एक जो पॉइंट है उसमें कितना मस्ती रह सकता है, और उसका लेयर का हिसाब से, जैसे आपका रूही का लेयर अलग है, कतला का लेयर अलग है, मिकल का लेयर अलग है, ठीक है। उसी लेयर में ऐड करके टोटल कितना मस्ती रह सकता है, जब उतना केजी मस्ती हो जाएगा उसका बाद मस्ती ग्रोथ नहीं होता है। जब आप मस्ती को वहाँ से थोड़ा सा खाली कर देते हो ना तो फिर उसका ग्रोथ हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपका 15,000 स्क्वायर फीट में टैंक रिकॉर्डिंग सिस्टम में 700 kg, ठीक है। तो आप क्या किया, तो उसमें आप 40% कतला छोड़ा, 40% आप रूही छोड़ा और 20% मिगल छोड़ा। जो ऊपर लेयर का कतला का साथ अब अगर आप सिल्वर कप छोड़ते हो तो आपका कतला का ग्रोथ कम होगा। मिगल लेयर का साथ अगर आप कालबोस छोड़ते हो तो उसका ग्रोथ कम होगा, और मिगल का साथ अगर आप साइफिनस छोड़ते हो मतलब कमल कप छोड़ते हो तो मिगल का ग्रोथ कम होगा। सिंपल सी बात है। तो इसी हिसाब से आपको देना है। जब आपका टैंक में 700 kg मतलब वो पॉइंट में 700 kg बन जाएगा, जैसे मान लीजिए आपका 2 महीने में 700 kg प्रोडक्शन हो गया जितना भी मछली छोड़ा था, ठीक है। तो उसका बाद आप मछली को जितना भी खाना दो उतना अच्छे से ग्रोथ नहीं होने वाला है। मगर अगर आप वहाँ से 350 kg सेल कर दो तो फिर 1 महीना में वो 700 kg आपका हो सकता है। पार्शियल हार्वेस्ट बेस्ट है और ये आपको करना है। और मेरा ये पॉइंट प्रिपरेशन दिखाने का मेन रीज़न जो है, क्योंकि वेस्ट बंगाल छोड़ के बाकी सारे एरिया में जो बायोफ्लॉक कल्चर कर रहा है उसका मेन प्रॉब्लम जो हो रहा है सीट को लेकर। देखिए बायोफ्लॉक में थोड़ा सा बड़ा साइज़ का मतलब एज थोड़ा सा ज़्यादा है वही मछली आपको छोड़ना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ऐसा कुछ जगह चाहिए जहाँ पे आपका मछली स्टोर रहेगा, और जब आपका मछली बायोफ्लॉक टैंक के लिए ज़रूरत पड़े उसी टैंक से आप उठाइए जब बड़ा साइज का है। जैसे मान लीजिए आपका तेलापिया आपका 50 ग्राम का हो गया उधर, तो आप बायोफ्लॉक टैंक में उठाइए। जैसे आपको प्रोडक्शन लेना है 350 kg, तो आपको 200 ग्राम में प्रोडक्शन लेना है, तो 1 kg में कितना पीस, 1 kg में 5 पीस, तो 350 kg मतलब 350 × 5, तो उसी मछली को डालिए तो 2 महीने में रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो, मतलब मछली को स्टॉक करके रखो, जब ज़रूरत पड़ेगा उसी हिसाब से आप ट्रांसफ़र करो उठाओ। जैसे किसी का कॉमन कप करना है तो आप छोटा साइज का कॉमन कप डाल दीजिए, आपका टैंक रिकॉर्डिंग सिस्टम पहले कैलकुलेशन कर लीजिए और उसमें कैलकुलेशन कर लीजिए 50 ग्राम कितना केजी, कितना पीस में 50 kg होता है और 50 ग्राम मतलब कितना पीस हो सकता है, तब उसमें डाल दीजिए तो मछली स्टॉक रहेगा। तो जब आपका ज़रूरत पड़ेगा उसको उठाइए बायोफ्लॉक टैंक में,
जैसे आपको 100 ग्राम करना है 300 केजी, तो 100 ग्राम का मतलब एक केजी में आपको 10 पीस, तो 300 केजी का मतलब आपका कितना हुआ, तो 3000, तो 3000 पीस डालिए तो एक महीने में आपका 100 ग्राम हो जाएगा। फिर उससे आप 150 केजी सेल कर दीजिए, फिर आपको दिखाई देगा नेक्स्ट महीना आपका क्या होगा, वो 200 ग्राम हो जाएगा, फिर 300 केजी बन जाएगा, फिर आप 150 केजी सेल कर दीजिए, ऐसे करना है। तो उसका साथ साथ क्या होगा, आपका जो पॉइंट है, पॉइंट में भी जो मछली जब आप आधा 50% हटा दीजिएगा, तो जैसे आप 100 ग्राम का मछली हटा दिया आधा मछली, तो फिर वो 200 ग्राम हो जाएगा। फिर आप आपका जब जरूरत पड़ेगा उसको लेके आइए, फिर आप जब आप नेटिंग कीजिएगा तो 400 ग्राम हो जाएगा, तो उसको डालिए, दो तीन महीने में आपका 1 किलो हो सकता है, ठीक है। मतलब मछली का जो मछली बड़ा साइज का होता है, मतलब जो 1 किलो का होता है जो भी होता है, तो उसका एज का बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स इसीलिए आप जिसका जिसका बायोफ्लो कल्चर है, आप 2 से 3 हज़ार स्क्वायर फीट का, आप 1.5 हज़ार स्क्वायर फीट भी बना सकते हो, मगर हर पॉइंट का एक टैंक रिकलिंग सिस्टम है, और ये जो सिस्टम में बता रहा हूँ सेमी बायोफ्लॉक सिस्टम है, इसमें आपको एयरसन डालने का जरूरत नहीं है। और एयरसन डालने का मतलब क्या है, जितना एयरसन डालने से जितना ज़्यादा एयरसन आप डालोगे उतना ज़्यादा आप मछली को स्टॉक कर सकते हो। मछली को ज़्यादा अगर प्रोडक्शन लेना है तो आपको बहुत ही अच्छा आपका एयरसन सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। पंप जितना अच्छा रहेगा प्रोडक्शन उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे आपको टैंक में एक टैंक में 500 अगर करना है, तो अगर 500 केजी करना है तो आपका एयरसन स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। आप 600 केजी भी कर सकते हो एट ए टाइम, अगर 500 केजी एट ए टाइम आप कर सकते हो तो इसका मतलब आप पार्सल हार्वेस्ट में आप 1000 केजी प्रोडक्शन ले सकते हो 6 महीने में। बट इसमें छोटा साइज मछली छोड़ने से नहीं होगा, आपको 100 ग्राम का मछली चाहिए। तो 100 ग्राम मछली अगर बायोफ्लॉक टैंक में करोगे 4-5 महीना में तो बहुत दिक्कत हो जाता है। तो इसीलिए उसको ऐसा एक छोटा सा पॉइंट के लिए उसमें छोटा मछली छोड़ के रखिए, और मछली को पुराना होने दीजिए, मतलब उसका एज ज़्यादा होने दीजिए। एज जब ज़्यादा हो जाएगा ना तो आप उसको तुरंत डालिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये जो सिस्टम मैं बता रहा हूँ इसी सिस्टम में पॉइंट को रेडी कीजिए, अगर फीडिंग नहीं भी दो तब भी मछली जिंदा रहेगा, मछली को नेचुरल आपका फीड मिलता रहेगा, और उसका साथ साथ आपका टैंक जो पॉइंट पड़ा हुआ है बहुत दिन से पड़ा हुआ है, 1 महीना 2 महीना 1 साल 6 साल 15 साल पड़ा हुआ है, उसमें क्या होता है नीचे कचरा ज़्यादा होता है, और इसी टाइप टैंक में क्या होता है बहुत ज़्यादा आपका फाइटोन जू प्लांटन बनता है। उसका साथ साथ और भी कीचा टाइप का जैसे ब्लैक वर्म वर्म टाइप का बहुत कुछ बनता है, मस्को के लार्वा ज़्यादा बनता है, ठीक है। तो उसमें कल्चर हो जाएगा। तो हमारा प्लान है नेचुरल फीड को डेवलप करना, उसका साथ साथ जैसे ब्लैक सोल का लार्वा में बताया था, आप ब्लैक सोल का लार्वा को कल्चर कीजिए, उसका साथ साथ आप एजोला कल्चर कीजिए। तो मैं बाद में बताऊँगा ब्लैक सोल का लार्वा और एजोला, और उसका साथ थोड़ा सा मस्टर्ड केक और आपका थोड़ा सा मकई जो भुट्टा होता है मकई ओ, और उसका साथ साथ हमारा जो एक विटामिन है एकोविटाफोर्ट, उसको देखे पर केजी खाना 4 रुपया में आप बना सकते हो। तो अगर फीडिंग कॉस्ट कम हो जाएगा बहुत ही अच्छा होगा सारी फार्मर के लिए, तो हमारा यही कोशिश है। तो आप अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, जितना मैं बताया ब्लैक सोल्जर लार्वा को कैसे करना है। तो मेरा जो ब्लैक सोल्जर लार्वा है उसको लेकर मैं बाद में बताऊंगा, उसमें चीटा का बहुत प्रॉब्लम है, मतलब आपको ऐसे बनाना है तो उसमें थोड़ा सा नीचे पानी देकर रखना है, उसके ऊपर केज रखना है जहाँ पे चीटा नहीं जा सके, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मतलब जब फ्लाई बनता है तो उस टाइम आपका वो चीटा आके उसको मार देता है। देखिए एक्चुअली बहुत ही अच्छा है आपका ये ब्लैक सोल्जर लार्वा, उससे बहुत ही अच्छे से आप खाना बना सकते हो, और बहुत ही इजी प्रोसीजर है, और ये हर घर में होना चाहिए, जिसका पास मुर्गी है जिसका पास आपका डाक है वो भी यूज़ कर सकता है। तो फ्रेंड्स आपने देखा ऐसे धीरे धीरे आपको पूरा वाटर में मिक्स करना है, और उसका बाद रस्सी से जो नट बोल्ट लगा हुआ था उससे नीचे वाला गैस को आपको निकालना है। तो आप साथ में रहिए, पॉइंट जब प्रिपरेशन होता है तो नीचे जितना कचरा रहता है और गर्मी जितना ज़्यादा होता है तो वो धीरे धीरे ख़राब होना रहता है, और इसीलिए गैस बनता है। जब भी बारिश का पानी मतलब वेदर थोड़ा सा ख़राब होता है तो ये नीचे से जो गैस है ऊपर आ जाता है, और इसका वजह से आपका सारा मछली ऊपर आ जाता है।
तो इसलिए ये अगर छोटा मछली जो होता है ना, वो तो नीचे से खाना नहीं खाता है ना, तो वो साइड से 1.5 फीट से 2 फीट से खाना खाता है, जो छोटा स्पॉन होता है। तो इसका वजह से गैस फॉर्म होने से, गैस ज़्यादा हो जाने से मछली बहुत मोटले की हो जाता है, और इसका वजह से आपका स्पॉन सक्सेस नहीं होता है। तो आप पॉन्ड को ऐसे रेडी कीजिए जितना हो सके, जैसे मैं 7 डे बताया, 7 चीज़ डालना है और आपको 5 डे तालाब में उतारना है। आप देखिए कितना गैस उसमें निकलना है। तो ये अगर निकल जाए ना तो उसको कुछ नहीं होने वाला है। और इसीलिए 3 डे 7 डे 10 डे गलन होता है, मतलब आपको नेटिंग करना पड़ता है और उसमें मछली निकल जाता है और नीचे से गैस निकल जाता है। आपको मैं आज दिखाऊंगा जो जो चीज़ डाला हुआ है वो नीचे जाके काम करना स्टार्ट कर दिया। तो आज जो घाटन देगा रस्सी से, ठीक है, ये जो देगा इसमें कितना ज़्यादा गैस नीचे से ऊपर आएगा आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब देखिए, ये जो देखिए छोटा मछली इसीलिए आपका मर जाता है, जो नीचे से गैस होता है ना वो मिडिल से खाना नहीं खाता है, और जब भी बारिश होता है कुछ भी होता है तो नीचे वाला जो गैस है एट ए टाइम ऊपर आ जाता है, और उस टाइम मछली पूरा ऐसे घूमते घूमते, मतलब घूमेगा पानी के ऊपर ऐसे घूमते घूमते मरता रहता है, ठीक है। तो आप पॉइंट को अच्छे से 7 डे थोड़ा सा मेहनत करके रेडी कीजिए, उसका बाद आप जीरा साइज मछली छोड़िए, बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट मिलेगा। एक्चुअली फ्रेंड्स आज ज़्यादा ही गैस निकल रहा है नीचे से, इसका जो मेन रीज़न है बारिश का टाइम में क्या होता है, सालों भर जितना कचरा होता है, जैसे आपका डाकवुड हुआ, आपका जंगल साफ किया, उसको आप रखते हो और उसी से क्या होता है, उसी से वो आपको पूरा सार बन जाता है और वो सब पानी में धो के आपका तालाब में गिरता है, ठीक है। तो देखिए तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही वाइटल है और ये आपको करना ही है, सिर्फ इसको कीजिए और 7 डे मेहनत कीजिए एक तालाब में। क्योंकि देखिए जहाँ पे स्पॉन्ज डालते हैं ना वो तालाब ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा तालाब होता है, और जब ये छोटा सा 10,000 लाइन का हो जाता है ना, जब उसमें बड़ा तालाब में छोड़ते हो उसको 4-5 दिन छोड़ने से, वीकली 1 डे करने से भी हो जाए, जो भी कल्चर चल रहा है, जो भी फिश का कल्चर चल रहा है, मैं उसको एक ही बात बताऊँगा, आप वीकली इसको कीजिए और महीना में एक बार नेटिंग कीजिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। अगर आपको महीना में एक बार नेटिंग नहीं भी करते हो, 2-3 महीना छोड़ के करते हो, मगर इसको आप वीकली कीजिए, इसमें रिजल्ट आपको बहुत अच्छा आएगा।